मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीट वेव की संभावना जताई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी आज लू चलने का अलर्ट जारी किया है। बुधवार को कश्मीर में सीजन की पहली हीट वेव चली। जम्मू और हिमाचल छोड़कर हीट वेव के अलर्ट वाले राज्यों के 50 से ज्यादा शहरों में लगातार 8वें दिन 43 डिग्री से ज्यादा तापमान भी दर्ज किया गया है। राजस्थान के 10 शहरों में बुधवार को तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर में देश में सबसे ज्यादा तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी, एमपी में आने वाले 5 दिनों तक तापमान 44 डिग्री के पार ही बना रहेगा। हीट वेव तो आपको ज्ञात ही है कि अब इस समय टेम्परेचर उत्तर भारत में 45 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं बहुत जगह, और हीट वेव है तो इसके बारे में हम सजग थे। पिछले 2 महीने पहले भी हमने सब राज्यों से संपर्क किया था, सबसे मीटिंग करी थी, बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पे और विविध स्तरों पे बैठकें हुई, चीफ सेक्रेटरी से भी हमने चर्चा करी और सबको अवगत कराया कि इसमें क्या क्या तैयारियां करनी है। सारे इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जा चुके हैं, जैसे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हैं, सब जगह ओरल जो लेते हैं वो ORH वगैरह सब उपलब्ध रखें, हर जगह उपलब्ध हैं। कुछ बेड्स अगर हीट स्ट्रोक किसी को होता है तो उसके लिए उपलब्ध रखें, वो भी सब है। और बाकी हमारे यहाँ जो NCDC है वो ऑलमोस्ट डेली उसकी जो है हम रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोग भी जो है सब राज्यों से संपर्क में हैं। कुछ हमने ये भी उनको कहा है कि भाई जो वर्क है उसको जो है दोपहर के टाइम थोड़ा कम करें, तो इस तरह की सूचनाएं हैं। और मेरे ख्याल से अभी ये समय तो है ही, पर इसके ऊपर जो है सब लोग तैयारी में हैं।